बनावट आधार कार्ड, रेशन कार्ड व मतदान कार्ड बनवणाऱ्या टोळीचा गुन्हे शाखेनं गुरुवारी पर्दाफाश केला. शहरातील हडको भागात चालणाऱ्या केंद्रावर छापा मारून तिघांना अटक केली असून त्यांच्याकडून बनावट कागदपत्र तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारं साहित्य पोलिसांनी जप्त केलं आहे. हडको एन 13 भागात बनावट आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदान कार्ड तयार करणारे केंद्र चालू असल्याची माहिती खबऱ्यांद्वारे गुन्हे शाखेचे निरीक्षक शिवाजी कांबळे यांना मिळाली होती. या माहितीवरून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक घनश्याम सोनावणे आणि त्यांच्या पथकानं हडको भागातील न्यू आधार मल्टी सर्व्हिसेस या केंद्रावर छापा मारला. यावेळी दुकानाचा मालक सय्यद हबीब हा शासकीय दस्तावेज बनावट पद्धतीनं तयार करत असल्याचं दिसून आलं. त्याच्या दुकानातून मोठ्या प्रमाणात बनावट रेशन कार्ड, एक लॅपटॉप कम्प्युटर, कलर प्रिंटर, फोटो पेपर, पेपर कटिंगचं साहित्य मिळालं आहे. 24 पिवळ्या व 67 केशरी शिधापत्रिका, 140 आधार कार्ड आणि मतदान कार्ड तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी 50 आयकॉन स्टिकर्स आणि जातीचं प्रमाणपत्र मिळालं आहे. त्या ठिकाणाहून विविध कार्यालयांच्या नावाचे, अधिकाऱ्यांच्या नावाचे बनावट शिक्केही जप्त केले आहेत. हमीदकडे चौकशी केल्यानंतर याच भागातील दोन घरांवरही छापे टाकण्यात आले. यात पूनमचंद दिगंबरसा गणोरकर आणि मोहम्मद हबीब मोहम्मद हनीफ या दोघांच्या घरावरही छापा टाकून बनावट कागदपत्र तयार करणारे साहित्य जप्त करण्यात आले. कार्यवाही दरम्यान आढळलेल्या बनावट आधार कार्ड, मतदान कार्ड, रेशन कार्ड यांच्यावरील नाव पत्ता यावरून त्या व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शिवाजी कांबळे यांनी दिली आहे. आधार मल्टी सर्व्हिसेस सेंटर जो है वहां पर कुछ फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं जिसमें रेशन कार्ड है, जो येलो कार्ड का रेशन कार्ड होता है वो बहुत जगह काम आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन के आइडेंटिफिकेशन है वो. कुछ रेशन कार्ड्स थे, कुछ मतदान कार्ड भी हैं, कुछ आधार कार्ड भी बनाए गए हैं जो एकदम फर्जी तरीके से दिमाग का सही इस्तेमाल करके उन्होंने बनाए हुए थे. हमने, हमारी जो टीम थी API सोनों ने और उनके साथ वाले लोगों ने वहाँ पर छापेमारी किया और वहाँ से लगभग 127 कार्ड्स ऐसे बनाए, ऐसे जब्त किए जिसमें कुछ रेशन कार्ड है, कुछ मतदा वोटर्स कार्ड है और कुछ आधार कार्ड है. वहाँ पर जब रेड हुई तब वहाँ पर ये जो बनाने की कार्ड की मशीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा था, जैसे कि थंब लेने वाला, आँखों का स्कैनिंग करने वाला मशीन और प्रिंटर, ये सब जो लगता है उसे बनाने के लिए वो पूरी उनकी तैयारी थी. ऐसे 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है. अब ये जो कार्ड्स है, कुछ कार्ड्स जो ये डुप्लीकेट स्टैम्प्स बने हुए हैं, कुछ ऑफिसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो ऑफिसेस में ये KYC के लिए उपयुक्त रहते हैं और खुद कुछ गवर्नमेंट की सुविधाएं जो दी जाती है, फ्री सर्विसेज जो दी जाती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था. कास्ट सर्टिफिकेट, फिर एक ST का सर्टिफिकेट्स जो अपंगों के लिए दिया जाता है, हैंडीकैप्स के लिए, उसके पूरे के पूरे स्टैम्प उन्होंने फर्जी बनाए हुए थे. और जो भी आता है, जो भी मांगता है, उसको अपने दिल के भाव से वो बेचता करते थे. ऐसा लगभग 2.5 लाख का माल हमने जब्त किया है. ये कहाँ कहाँ और किसको किसको बेचा है इसके लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है. सर ये कितने सालों से कर रहे हैं? ये पिछले 4 सालों से करते रहे हैं. एक जो इसका मल्टी सर्विसेज वाला जो मालिक है उसके पास आउटसोर्सिंग किया गया था आधार के लिए और उसकी जो स्किल तब डेवलप की गई थी उसका वो अभी भी लगातार इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए कर रहा है. मामला अभी बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दाखिल किया गया है और बेगमपुरा के साथ साथ कोऑर्डिनेशन में क्राइम ब्रांच भी इसमें इन्वेस्टिगेशन का काम करेगी.